हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ रेडमी गो फ़ोन के बारे में, जो आता है Xiaomi की तरफ से। दोस्तों, काफ़ी बजटेबल फ़ोन है, आपके घर के यूज़ के लिए हो सकता है, क्योंकि अगर आप एक पबजी लवर हैं तो आपके लिए ये फ़ोन नहीं बना है, क्योंकि इसकी रैम की है तो 1 GB की रैम है और 8 GB की इंटरनल मेमोरी है। अदर की बात करते हैं, 4500 रुपये का मुझे इसको पड़ा है, लेकिन इसमें समथिंग 6000 के करीब आ जाती है, जो आपको फ्लिपकार्ट आजकल सेल चल रही है, तो शायद उसकी वजह से कुछ डिस्काउंट मिल रहा होगा। तो दोस्तों, ये है Xiaomi का सबसे सस्ता फ़ोन, कम चलाते हैं तो उनके लिए ये यूज़ हो सकता है। अगर आप PUBG लवर हैं तो आपके लिए ये फ़ोन अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी रैम की बात करते हैं तो ये है 1 GB रैम में और 8 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है। तो इसमें सामने की तरफ ये कुछ इधर हेल्टेट वगैरह दे रखी है, साइड की तरफ लिखा हुआ है बाई Xiaomi और इंडियाज़ स्मार्टफोन नंबर 1 ब्रांड। तो जल्दी से करते हैं इसको ब्रेक, को यहाँ से ब्रेक और एक सील है यहाँ से, तो बस कुछ फ़ोन है कुछ इस तरीके से। सामने की तरफ फ़ोन निकलता है, ये है सामने की तरफ फ़ोन, इसको रखते हैं फ़िलहाल अभी साइड में। अंदर देखते हैं और क्या है, यहाँ पर मिलता है कुछ इस तरीके से। ये है सिम इजेक्टर टूल, जो बेसिकली होता ही है हर फ़ोन में, और ये कुछ आपको पेपर वर्क होता है। आपको एक इसमें बैक कवर वगैरह नहीं मिलता है, एक मिलता है आपको चार्जिंग का एडाप्टर है, जो एक नॉर्मल माइक्रो USB टू केबल, क्योंकि सी पोर्ट तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो बस और कुछ नहीं मिलता डब्बे में, खाली ये फ़ोन मिलता है। ये को सामने की तरफ कुछ इस तरह की रैपिंग में है, और इसमें जो स्नैपड्रैगन 825 स्नैपड्रैगन आपको मिलता है, 8 MP का कैमरा मिलता है रियर, और 5 MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, और 3000 mAh की बैटरी मिलती है, और 5 इंच का HD डिस्प्ले मिलता है, और 720 हाई रेगुलेशन मिलता है। सब पीछे की तरफ कुछ इस तरीके से है। तो हटाते हैं इसको रैपिंग को, और तो ये है तो इसको बूट। तो दोस्तों, ये सामने की तरफ आ गया है MI.com, MI का लोगो। तो दोस्तों, फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो राइट के साइड मिलता है आपको ये लॉक बटन, और ये है वॉल्यूम रॉकर। ऊपर की तरफ है ये सेकेंडरी माइक, जो नॉइस कैंसिलेशन वगैरह के लिए आते हैं। ये है 3.5 mm का ऑडियो जैक। पीछे की तरफ है कुछ 8 MP का कैमरा, और एक मिलता है आपको LED फ्लैश। जो लेफ्ट की तरफ है आपको ये मिलता है सिम ट्रे, इसमें होगा एक डबल सिम के साथ आता है, इसमें आप एक सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। अगर आपको दूसरा सिम भी लगाना है तो आपको एक साइड की तरफ से एक छोटी सी ट्रे मिल जाती है अलग से, जो कुछ इस तरीके से है। तो आप इसमें 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड आराम से इसको लगा सकते हैं। नीचे की तरफ है कुछ इस तरीके से, ये है चार्जिंग केबल और चार्जिंग पोर्ट है, और ये है स्पीकर आपको मिल जाता है इसमें। बात इसको सेटअप करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, इसमें ना आपको कोई भी ऐसा कुछ फेस लॉक वगैरह पैटर्न वगैरह वो फेस लॉक, और ना ही आपको फिंगरप्रिंट वगैरह मिलता है, तो आपको इसमें पैटर्न वगैरह या फिर पिन वगैरह पासवर्ड वगैरह ही आपको लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं जल्दी से इसको पैटर्न कोई सा। हो गया है फ़ोन आपका सेटअप, काफ़ी इजी है, और इसमें आपको लगभग ये एंड्रॉयड का गो वर्जन है, जिसमें आपको लाइट वगैरह सारा मिलता है। फेसबुक लाइट हो गया आपका, YouTube गो हो गया, मतलब जो लाइट ऐप्स है जो आप इसको यूज़ आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हैवी वेट ये इतना हार्डवेयर इसका स्ट्रॉन्ग नहीं है जिससे आपको अच्छे से इसको उठा पाए। तो दोस्तों, काफ़ी ठीक ठाक फ़ोन है, अगर आप बजटेबल फ़ोन है यानी आप घर के यूज़ के लिए इसको लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक आसान तरीका है और ठीक ठाक है। सेटिंग में चल के देखते हैं अबाउट फ़ोन में इसमें क्या मिलता है आपको। यह है एंड्रॉयड वर्जन, इसमें चलता है 8.1 पे चलता है फिलहाल, और सिक्योरिटी पैच जो इसका मिलता है वो 1 February का है। और बस ये है कुछ सिंपल सा फ़ोन है, ज़्यादा कुछ इसमें दिखाने लायक है नहीं, तो ठीक ठाक है। अगर थोड़ा बहुत प्राइसिंग वगैरह थोड़ा डाउन हो तो सही है, बट ठीक है। कैमरा की क्वालिटी की मैं आपको दिखा देता हूँ, ज़्यादा ठीक तो नहीं है पर ठीक है, काम चला हुआ है। बाकी मैं आपको और शॉट्स आपके दिखा रहा हूँ कैमरे के,
स्क्रीन पे आप देख सकते हैं किस तरह की इसकी क्वालिटी है फ्रंट फेसिंग की कैमरा की और बाकी बैक कैमरा की। बस दोस्तों ये है कुछ Redmi Go फ़ोन। तो ठीक है, रिकमेंडेशन के लिए बात तो नहीं है, अगर आपका कोई फादर मदर जैसे है विगेनर है तो आप इसको परचेज़ आराम से करवा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं खास फ़ोन में, लेकिन सिंपली फ़ोन है तो अच्छा है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो की अनबॉक्सिंग अच्छी लगी है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके, बाय टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।